क्या मोमिन आप अकेली हैं? कहाँ हैं? अदील कहाँ है? वो रेस्ट मोड में। रेस्ट मोड में है। You guys have to introduce me. Oh Allah, यार ये कौन लोग हैं? और कभी कभी फ्रिज में भी रोजा रखते थे तो जाके फ्रिज खोल के खा लिया रोजा, अब वापस रखा है। Sorry. वो भी Seriously? ये तो इन्होंने अपना चेहरा मुबारक बना दिया। इतना गोल नहीं है अब तो, फिर भी थोड़ा सा पतला हो गया, कुछ शेप निकल आई है। Always saw my father, you know, praying 5 times a day. I think since 18 or 19, I don't think so कि मैंने कभी कोई नमाज छोड़ी। जो लड़कियों का होता है ना वो एक अटैचमेंट कुछ और होती है, जब अम्मा जाए नमाज पे बैठी हुई हैं पढ़ रही हैं तो लड़कियां ना बचपन से इनको कॉपी करने की कोशिश करी होती हैं। मोमना वाज देयर सो बिकॉज वी वर्कड इन समझौता आल्सो, तो हमारी एक केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, मतलब उसमें मेरी भाभी थी। यार मुझे पता था यही बोलेगा। अपने हीरो से ज्यादा मेरे साथ केमिस्ट्री थी। केचप है? ये क्या है वैसे? समोसा। यार आप केचप देखिए जरा। Because I'm the youngest one in the family. मुझे लगता है कि इसीलिए इसको अटेंशन चाहिए होती है हर बार। इसको बचपन में मिली नहीं। क्योंकि जो youngest one होता है ना उसको इतनी शुरू में अटेंशन मिली। अल्लाह माफ करे, झूठ तो बाद में मिलती है। बाद में। You have to earn that. आपने ऐसी कोई बातें सुनी है अदील या नहीं? मैंने अदील is busy eating slim. अदील is least bothered. मैंने थोड़ी बहू बनना है। मैं क्यों सुनूंगा? It's very yummy. चटनी चाहिए आपको? Assalamualaikum, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine and we are back with another episode of Ramzan Eid aur Hum. Aaj mere saath hain Momina Iqbal and Adil Chaudhary aur hum kuch Ramzan aur Eid ki yaadein taza karenge, kuch baat karenge, kuch ghata ke bare mein bhi guftugu hogi, how was it working together for both of them, aur phir ek hum Ramzan iftar ki ek recipe try karenge jisme ek fun segment hai, wo aapko dekh ke pata chalega. Assalamualaikum. बट है आप लोगों के यहाँ है कि वो इफ्तार के बाद चाय का मग जरूरी है दोनों में से किसके लिए, और फिर बैठ के वो यू नो 15-20 मिनट यू जस्ट वॉन्ट टू हैव योर कप ऑफ टी एंड कोई बात नहीं करे, कोई कुछ नहीं कहे और आप बस सुकून से अपना चाय पी रहे हो, टीवी देख रहे हो या कुछ इंटरनेट पे या फोन पे स्क्रॉल कर रहे हो, इज दैट समथिंग दैट यू गाइस डू? मैं तो टीवी और फोन तो याद भी नहीं होता है थिंक आपको. सीरियसली? हां ऐसा होता है. मैं तो स्टार्ट को लेके फौरन बाद में सॉरी जा रही होती हूं 15-20 मिनट उससे पहले आप पूरा दिन कभी फोन देख लो, कभी कुछ कर लो, जब तक अगली नमाज का टाइम हो रहा है, अजान हो रही है, आप कुछ कर रहे हो, या समटाइम्स तो ये चल रहा होता है कि आप अपनी तिलावत कर लो या कुछ कर लो, उसके बाद होता है कि बस खाना खाया और नमाज पढ़ी और सो गए बस. मुझे इतनी नींद आती है ना रोजा खोलने के बाद, ऐसा होता है. मैं चाय पीता ही नहीं. मैंने कभी चाय पी? कॉफी. कॉफी भी मतलब जब रमजान नहीं होता तो फर्स्ट थिंग आई डू आई हैव माय कॉफी, लेकिन जब आई थिंक इफ्तार इंसान कर लेता है तो उसके बाद तो कॉफी नहीं है और मैं डायरेक्ट खाना ही खाता हूं. ओके. लाइक आई डोंट नहीं करते बनाने के लिए कोई होना भी चाहिए ना उस तरह. ये तो कभी तक चल रहा है, पिछले इंटरव्यू से अभी तक चल रहा है, बीच में कुछ दुख कम होने के ऑप्शन आए या नहीं, फिर वापस आ गया चल रहा था? क्या कह रहे हो तो? क्या कह रहे हो? तो आपके पास कोई और बात है बताने के लिए? हमें आप बताएं. नहीं मतलब इसका मुझे ऐसा लग रहा है मैं कव्वाली अभी मैं ऐसे ऐसे शुरू कर दूं. कहती आप हमारे सेट कैसे मजाक तो नहीं उड़ाएं? नहीं हमारा इतना अच्छा सेट है. नहीं आपको इतनी एफर्ट देखिए हमने कितनी डाली है. नहीं काफी इसमें भी अदील हंसे. अदील मुझे लगा इसीलिए आप दुख आपका भी बहुत तंग करता है. मैं हाँ मैं आपको अगली बात यही कहने लगी थी कि बहुत मुश्किल है गुजारा. क्या मेरे साथ काम करना? अच्छा गुजारा मतलब तेरा होना ही इतना डिफिकल्ट है ना अपने आसपास की हमेशा ऐसे होता है. बहुत नखरे हैं. क्या नखरे हैं अदील के? बहुत नखरे हैं सेट पे भी वैसे भी. कभी फोन भी आ जाए ना इसका. अच्छा एक होता है आप खुद किसी को कॉल कर रहे हो, इसका जब फोन आ जाए ना ये तब भी अगले को ऐसे करता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ यार मैं बिजी हूँ. अच्छा मैंने ये कहना था चलो मैं करता हूँ कॉल अभी थोड़ा बिजी हूँ, तो भाई पहले फोन ही क्यों किया, बात कर लेनी थी पूरी. एग्जैक्टली. अरे क्या क्या मतलब क्या है इसके पीछे थ्योरी?
कि फोन करके भी आप कह रहे हैं ये बहुत बिजी है, पता नहीं क्यों। हाँ, हेल्दी इफ्तार बनाने वाली भी कोई नहीं है, फिर भी बिजी वो यूसी की बात कर रहे हैं। ये मुझे लग रहा है ऐसी बना रहे हैं हमने। और नहीं नहीं सीरियसली वो बेसिकली कहना चाह रहा है कि अगर कोई है तो बना जाए पर बना के चली जाए। ये क्या बात है, मतलब कोई अच्छा शेफ मैं शेफ की बात कर रहा हूँ। आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आप तो इतने मासूम हैं। I'm talking about chef. Very, very. बहुत मासूम है आप। अच्छा, tell me, रमजान कैसा होता था बचपन में? कुछ यादें हैं आप लोगों की रमजान की? कोई एक स्पेसिफिक चीज जब आप सोचते हैं रमजान के बारे में तो यू एसोसिएटेड विद योर चाइल्डहुड इन रमजान या क्या? मुझे तो वो कान वाला रोजा याद है बिकॉज़ आई ऑलवेज वांटेड टू कीप अ रोजा एंड माय मदर यूज्ड टू से कि हाँ तुम वो कान वाला रोजा रख लो। तो वो होता ये था कि दोपहर में हाँ कि आपने ऐसे करके ऐसे करना है तो नाउ यू कैन यू हैव अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स टू ईट। अच्छा, उसके बाद दोबारा आपने ऐसे कर देना। बट ये बड़ा कॉमन है पंजाब में, आई डोंट नो इफ शी नोज और नो। नहीं हमारे ऐसे होता था ना कि चिड़ी रोजा रखती है कि वो छोटा रोजा नहीं रोजा ना, उसमें थोड़ी देर खा ली चलो अब रोजा है वापस से उसके बाद दोबारा। एक दिन में दो तीन रोजे रखे हमने कहने को सुनने को मिलता था तो यू फेल्ट वेरी प्राउड। और कभी कभी फ्रिज में भी रोजा रखते थे तो जाके फ्रिज खोल के खा लिया रोजा अब वापस रखा है। सॉरी वो भी सीरियसली ये वाली कहानी मैंने नहीं सुनी। फ्रिज में भी होता था। एंड आई विल बी ऑनेस्ट के पिछले 5 साल पहले लाइक बहुत ज़्यादा ही होता था कि वर्कआउट करना है ये है तो आपके न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी रोज़े में तो इसलिए रोज़े नहीं भी रखते थे। लेकिन पिछले लेकिन पिछले 5 साल से आई हैवंट स्किप्ड अल्हम्दुलिल्लाह एनी रोज़ा एंड आई फील मच बेटर नाउ। या सो आई थिंक बिकॉज आप ये देखें कि बाद में ये भी जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करना शुरू हो गए तो वो यही थी। तो ये तो आपको नेचुरली मिल जाता। मैंने कभी नहीं छोड़ा रोजा और ये सब कभी भी नहीं। इवन जो हमारे नफली होते हैं मेरा ये भी कोशिश होती है कि मैं पूरे ही रख लूँ कि कोई छूटे ना। ये यही होता है कि आपकी डाइट अच्छी हो जाती है। और पर ये था कि पहले मेरा ये होता था कि हम लोग हैं कश्मीरी और मतलब फैम पंजाबी हमारे तो पूरे के पूरे वो लगती है ना डाइनिंग के रफ्तारी होने लगी तो दुनिया की हर चीज वहाँ पड़ी मतलब होती है। very बहुत हाँ, होता है फ्राई और ये वो पता नहीं क्या क्या होता है तो अब है ना तो मैं तो खा लेती हूँ। मतलब अब मुझे नहीं होता था, मुझे कभी भी नहीं होता था कि मैं मोटी हो जाऊंगी। वो मैं बहुत ज्यादा खाती थी कि बस खा लो। अब ये होता है कि अब काम की रूटीन उस तरह से है तो अब वो चीज़ भी नहीं रहेगी। जैसे बच्चों में होता है ना कि सब कुछ ही खा लो, अब थोड़ा थोड़ा करके अच्छा भी पहले नमाज पढ़ लो फिर थोड़ा और खा लो। अब उस रूटीन में आ गए। कोई आप लोग के घर में कोई कस्टम है, कोई स्पेशल कोई चीज़ करते थे रमजान में या कोई चीज़ बनती थी, ऐसा कुछ है जो आप लोग शेयर कर सकें? सब कुछ ही बनता है रमजान में। जैसे हमारे घर में ना मुझे याद है ननिहाल में हम जब भी ननिहाल में होते थे तो वो मेरे मामू ना वो बनाते थे शकंजबीन तो वो स्पेशल वो बना रहे होते थे और इतना बड़े से देगचे में बनता था क्योंकि इतने लोग होते थे माशाल्लाह। और फिर वो एक बार से वो गोल वाला चम्मच होता है ना उससे डाला जाता था तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट। सो समथिंग लाइक दैट कोई मेमोरी है? मुझे बचपन से ही ना मतलब मेरी पुप्पो के घर बनते थे लेकिन वो फिर हमारे घर भी बनना शुरू हो गए। जो पालक के पत्ते होते हैं ना उसको बेसन में पालक के पकौड़े वो पूरा पूरा उसको पूरा पूरा फ्राई करके वो मेरे मेरे लिए प्लेन या वो उसके साथ मसाला सकते हैं अभी भी मतलब अपने खाने के साथ फ्रेंच फ्राइज में लाजमी लेते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, वो पकौड़े बनाने जाओ ना तो आलू के पकौड़े बना रहे होते हैं फिर इतनी टेम्पटेशन होती है कि थोड़े से ना फ्राई भी कर लो फ्राइज भी हो जाए वो दैट समथिंग इररेसिस्टिबल। आई थिंक फ्राइज को कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। बट क्रिकेट खेलना रात को, लड़के यूजुअली रात को क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आपका कुछ ऐसा था रमजान में? पहले अभी है नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब तो नेटफ्लिक्स है तो नेटफ्लिक्स देखते हैं। ओके ओके, या आपका शो देख लेते हैं बड़ी अच्छी सीरीज चल रही है। ये दो तीन ही अदिल आमिरी आज पूरे शो में ऐसी टेक करते हैं। नहीं नहीं मैं तो जेन्युइनली ओके चले मैं भी जेन्युइनली थैंक यू बोल देती हूँ। एंड हाउ अबाउट रोजा कुशाई, याद है आपको? हाँ मेरा ख्याल मैं तब मलीर में था जब मैंने पहला रोजा रखा। माई फादर वॉज पोस्टेड है सो हाँ, पर कोई इतना कोई
खास इत्माम किया नहीं गया था मेरा नहीं किया because I'm the youngest one in the family. मुझे लगता है कि इसीलिए इसको अटेंशन चाहिए होती है हर बार, इसको बचपन में मिली नहीं, क्योंकि क्योंकि जो यंगेस्ट वन होता है ना उसको इतनी इतनी शुरू में अटेंशन मिली, अल्लाह माफ करे झूठ तो बाद में मिलती, बाद में यू हैव टू अर्न दैट, यू हैव टू अर्न दैट रिस्पेक्ट. छोटे तो नहीं, ये तो बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. अच्छा, मेरी फैमिली में जो सबसे बड़ा वो लाडला होता. Okay. नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसको देख के कहीं से मैंने इसके साथ दो सीरियल किए हैं, मुझे पता है कि ये जबरदस्ती अटेंशन ले लेता है कि अभी मुझे अटेंशन दो, ये वो वाला बंदा है. तो ये नहीं कह सकता कि जो तो मतलब काम में ऐसा है वो घर में कैसा होगा, वो तो अम्मी के पास जाके बैठ जाता होगा, मुझे ये भी चाहिए इफ्तार पे, मुझे ये भी चाहिए. नहीं ऐसा नहीं, मैं जिद्दी नहीं था. ओके, व्हाट अबाउट यू होम, आपकी रोजा कुशाई हुई थी, याद है आपको? याद नहीं. याद आप लोगों को होता था जब आप बच्चे होते हैं तो आपके इर्द गिर्द सब रोजा रख रहे होते हैं, देन यू फील दैट यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, जब तक आपकी उम्र वो नहीं हो जाती, आपकी बारी नहीं आती कि आप भी वो रोजा रखें. डिड यू गो थ्रू दैट? मुझे ना बचपन की कुछ चीजें याद हैं, लाइक थोड़ा थोड़ा सा, वैसे तो हर चीज याद होती है, लेकिन ये वाला टाइम मुझे याद है कि जब सब रोजा रख रहे होते थे ना, तो मैं कहती थी मेरा रोजा है. मैं आई थिंक 6-7 की होंगी, 6-7 ईयर्स की, तो मुझे याद है कि मैं एप्पल चुप करके फ्रिज से निकाल के, कर्टन हमारे घर ना बहुत बड़े बड़े कर्टन लगे होते थे विंडोज के आगे, तो मैं उसके पीछे जाके बैठ के आधा खा के आधा वहीं रख के आ जाती थी कि फ्रिज में नहीं रखना, सबूत मिल रहा. तो मुझे याद है मैं ऐसे रोजा करती थी, ऐसी चीजें बहुत की है, क्योंकि वो आप एक यू वांट टू बी डूइंग व्हाट एवरीबॉडी इज is doing, लेकिन आपको थोड़ा सा बचपन होता है तो भूख भी लग रही होती है. लेकिन ना एक टाइम बाद मुझे याद है लड़कियों का अपनी अम्मा के साथ कोई और सीन होता है, लड़कों लड़के तो ठीक है सुन लिया वो तो आज भी नहीं सुनते. खैर, जो लड़कियों का होता है ना वो एक अटैचमेंट कुछ और होती है, जब अम्मा जाए नमाज पे बैठी हुई हैं पढ़ रही हैं, तो लड़कियां ना बचपन से उनको कॉपी करने की कोशिश कर रही होती हैं कि अच्छा मम्मा ये कर रही हैं. तो मम्मा ने बहुत छोटी एज से ही मुझे एक चीज़ कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, रोज़ा ऐसे होता है, नमाज ऐसे होती है, वो इतना मम्मा ने शुरू से एक वो चीज़ बना दी थी कि वो ज़रूरी लगने लग गया था कि ये है, ये करना है, हाँ हिस्सा बन गया. वरना होता है ना लोग कहते हैं अभी बच्चे हैं ठीक है कर लेंगे, लेकिन मम्मा ऐसी नहीं थी, मम्मा ने शुरू से बहुत स्ट्रिक्ट रखा था. That's true. Actually, आपकी फैमिली में जिस तरह का माहौल होता है, so you know, you try to follow that. Like I always saw my father, you know, praying five times a day. So I think since I was like 18 or 19, जब मेरे एग्जाम्स थे FSC के, तो वहाँ से I don't think so कि मैंने कभी कोई नमाज छोड़ी हो. तो बहुत अच्छी बात है. हाँ, so it's been. ये बहुत अच्छी आदत है इसकी. आप देखती हैं इनको सेट पे? हाँ ना, मतलब सेट पे तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये मतलब इसकी एक आदत है कि हम कह भी देना कि सीन है यार आके पढ़ लेना ना भाई, तुम आके हम सीन कर लेते हैं फिर पढ़ लेंगे, लेकिन ये कहेगा नहीं दो मिनट मुझे दो, मैं करके आ जाऊंगा. मैंने इसकी वीडियोस भी बनाई हैं, मैं चाहती थी मैं पोस्ट करूं, लेकिन मैंने कहा फिर ये ना हो जाए लोग कहीं दिखा रहा है या इस तरह कुछ है, तो इसका एक कोना इसने पकड़ लेना कि मैं आ रहा हूं बस मुझे दो ढीट होके कि पहले मैं नमाज पढ़ के फिर जाऊंगा. अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना नमाज टाइम पे पढ़नी चाहिए, उसकी तो फजीलत ही और है. इट्स योर कनेक्शन विद द गॉड, यू नो. मैं समझता हूं मेरी बहुत सारी कोताहियां गुनाह अल्लाह ताला शायद इसलिए बख्श देता है, बिकॉज़ and Allah has been very kind. So yeah. आप क्यों हंस रही हो? मैं ये इसकी बात पे नहीं, गुनाहों पे हंस रही हूं. नहीं नहीं गुनाह मैंने तुझे देखा ही नहीं आंखों से, तो मैं कैसे कहूंगी गुनाहगार है? मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं तो मुझे नहीं पता. वैसे मेरा एक मुझे एक ऐसे लगता है कि जिस घर में ना लाइक पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, जैसे इसके अब्बा ये भी बोल रहे हैं कि मतलब 5 times उनका चलता है कि मैंने अपनी नमाज पढ़ी, उस हमारे घर में भी ना एक सीन है. तो मुझे ऐसे लगता है ऐसे घरों में ना जहाँ सब नमाज पढ़ रहे होते हैं ना, वहाँ अल्लाह की कोई भी आजमाइश आ जाए ना या कोई भी मसला हो जाए कुछ भी, तो वो एक सुकून हमेशा बरकरार रहता है. वक्ती तौर पे शायद आपको उस टाइम पे कुछ सेकंड्स के लिए कुछ मिनट्स के लिए आपको फील होता है कि ये क्या हो गया हमारे साथ ये, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी अम्मा की वजह से ना उस घर में, लाइक अब्बा की वजह से भी, अब्बा ने मुझे लेकिन अम्मा की वजह से ना, क्योंकि बाबा तो चले जाते हैं काम पे, लेकिन अम्मा पूरा टाइम कुरान पढ़ रही हैं या कभी कुछ पढ़ रही हैं, उनकी एक रूटीन ही बन गई है कि मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने पढ़ते रहना. तो मुझे घर में एंटर होते ही वो जो मुझे एक वाइब और जो एक सुकून मिलता है ना, मुझे लगता है कि वो होना बहुत ज़रूरी है. इसी तरह मेरा गेस्ट हाउस है ना, मैं वहाँ पढ़ती रहती हूँ कि जब मैं रात को घर आऊँ ना तो मुझे वो फील, हाँ मुझे वो रहना चाहिए, आपको लगता है सेफ है. सही बात है. अच्छा, मुझे आई एम वन ऑफ दोस पीपल, मैं रूह अफजा बचपन में बहुत होता था, रूह अफजा इफ्तार का ना, रमजान रोजे आते हैं तो रमजान का मुझे लगता है पहले से नहीं पहली चीज जहन में आती है रूह अफजा, यू नो.
पकौड़े और समोसों के बाद, लेकिन अब वो आदत नहीं रही है पीने की. लेकिन आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि यार पियो या ना पियो लेकिन बना होना चाहिए टेबल पे, उसका जो कलर है ना वो टेबल पे हो, चाहे वो बाद में किसी को दे दो घर में कोई और पी ले, लेकिन टेबल पर रूह अफ़ज़ा. आप सोचेंगे मैं भी कराची आने से पहले, रमज़ान से पहले मैं मम्मा के साथ गई हूँ, तो मैंने मेरा 2 महीने पहले से किया था ये तो उठा लें, मम्मा कहती हैं 2 महीने बड़े नहीं 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 आप उठा लें, बाद में पता नहीं मिले ना मम्मा के, क्या मतलब है. व्हाट अबाउट यू आदिल, नो फैन ऑफ रूह अफ़ज़ा? नॉट एट ऑल. पिया हुआ तो है ना ऑफ कोर्स, ये कोई ड्रिंक भी नहीं पीता लाइक कोई, नो फिजी ड्रिंक नथिंग. पिछले महीने से वैसे पीना शुरू कर दी मैंने डाइट कोक. डाइट कोक हाँ काफी देखा, इंसान वक्त के साथ साथ बदल जाता है. So, आपके घर में क्या होता था रमजान में रोजे में, क्या कोई एक शिकंज बीन या कहीं बादाम दूध का शरबत भी होता है? लेमनेड हाँ बस वही. भी कुल लोग अभी कैमरा हमने बंद किया तो उन्होंने कहा नहीं स्कंज बीन थी, मैं लेमिनेट बोल रहा था तो स्कंज बीन बताए ना. आई मिस यूजिंग दिस वर्ड, पता है बहुत कम ये यूज होता है स्कंज बीन. स्कंज बीन और एक और होता है ना कुछ लीमू पानी. लीमू पानी. अच्छा आर यू गाइज द काइंड जो ईद की शॉपिंग करते हैं, एक्साइटेड होते हैं अभी ईद पे या वो खत्म हो चुकी है, वो टाइम गुजर गया? बचपन में मैं तो ईदी के लिए बहुत एक्साइटेड होता था, जबरदस्ती निकलवाता था ईदी. और जब मेरी बारी आई है ईदी देने की तो मैं आपने कहा नो नथिंग, ये कोई की क्या चीज है ना? लेकिन जब मैं अपने भतीजे जो मेरे हैं लाइक यू नो उनके साथ यू नो आई टेक देम आउट यू नो इट्स अ लॉट ऑफ फन टू बी ईदी देते हैं ना अपन एनवेलप में. हां आई गेट देम सम स्टफ और वो ना भी दें तो वो निकलवा लेते हैं. यही तो मजा है, तो हक होता है भाई. हाँ क्योंकि वो जो ईदी के एनवेलप की खुशी है ना उसको कोई बीट नहीं कर सकता, स्पेशली उन छोटी एज पे तो यू नो आई एम श्योर. तो फिर तो आप फेवरेट चचा होते होंगे? नहीं सारे ही हैं, सभी करते हैं, बट मुझे एक वाकया अपना याद है लाइक व्हेन आई वाज अ किड, जो मुझे याद है कि माय फादर वाज पोस्टेड हियर इन कराची और हम लोग ईद मनाने गए वहाँ पर. आई बिलोंग फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड खारिया. तो मुझे बहुत सारी ये 92-93 की मैं बात बता रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है 5,000 ईदी हुई मुझे उस जमाने में. तो 5,000 भी ये तो आपकी लोन निकल आई. हाँ तो फिर मेरे फादर ने मुझे कहा कि बेटा ये तुम मुझे दो. मैं तुम्हें कराची जाके दे दूँ क्योंकि रास्ते में तुमसे ले ना ले. तो मैंने दे दी. जब मैं कराची पहुंचा तो बस उन्होंने कहा तुम्हारे टिकट में लग गए. आपका कोई वाक्य ईदी का या क्या? नहीं जब तक तो छोटे थे हम बहुत खुशी से ईद मनाते थे, हमेशा ईद मनाते ही हैं. पर जब से खुद काम शुरू किया फिर आप बड़े हो जाते हो तो फिर आपने ईदी देनी होती है. मतलब अब्बा आज भी देते हैं, दादा अबू भी देते हैं, चाचू भी देते हैं, लेकिन सब दे रहे होते हैं. सब तो दे रहे हैं. हाँ लेकिन नहीं वो ऐसा होता है कि क्या पिछले कुछ सालों से नहीं था लेकिन इंशाल्लाह थोड़ा सा कोई हमारे जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस भी हो गई वो भी एक जो मीडिया के ऊपर एक चल रहा तो वो भी आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं चीजें. रियली ओके ऑफ कोर्स इट डज. लेकिन हमारे से जो छोटे हैं ना मतलब इवन मेरे भाई भी वो बख्शिश नहीं है वहाँ पे. क्या इकोनॉमी क्या चल रही है उनको कोई मसला नहीं है जी, इतने चाहिए तो इतने दो. लाइक मुझसे भी अब्बा से भी सब उनका ये सीन होता है वो ले लेते हैं. रातों को जागना रमजान में देर देर तक अभी तक है या बस अब आके सो जाते हैं? जागना पड़ता है क्योंकि ईशा के बाद जब आपको तरावी करनी होती है ना वो इतना टाइम ले लेता है और मैं इतनी सुस्त हो जाती हूँ ना उसमें कि बस ये खत्म हो जाए. इफ्तार के बाद अच्छा रमजान आ रहा है ना अभी तो आई एम रियली एक्साइटेड रमजान. लेकिन मुझे पता है इफ्तार करती साथ जो नींद आती है ना और आपको पता ही फिर ईशा भी होने वाली है, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद आपको तरा और मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियां बस हिम्मत दे दो. और जैसे ही तरावी आप खत्म करेंगे ना लाइक आपका वो मुकम्मल हो जाएगा इबादत तो आपकी नींद गायब. नींद गायब आपको आप सहरी तक जागते हैं? अच्छा मैं तो 2:30 बजे सहरी करके सो जाता हूँ. सो जाते हैं? अल्लाह मतलब मैं वो 4-5 बजे का वेट नहीं करता, मैं सो जाता हूँ 2:30 बजे करके. सही है, किसी की अपनी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी जिसको जो सूट करता है वो और जो समझ आ रही होती है. फिर आपकी वो 16 आवर इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाती है. इज देयर एनीथिंग स्पेशल जो आप लोग कर रहे होते हैं रमजान में चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ? बिकॉज मुझे लगता है रमजान का ना एक बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ ना हम देखते हैं हर किसी को किसी ना किसी लेवल पे कोई एक चीज़ करते हुए यू नो आपके अंदर देने का जज्बा बढ़ जाता है, शेयर करने का जज्बा बढ़ जाता है. मुझे लगता है इफ्तार अकेले करना भी लोगों को बोरिंग लगता है, दे वांट के कोई ना कोई साथ हो. और सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप चैरिटी करें, इट्स जस्ट द जज्बा ऑफ शेयरिंग you know whatever you are doing with the people. नहीं, charity तो I think रमजान के अलावा वैसे भी करनी चाहिए अगर अल्लाह ताला ने आपको वो हैसियत दी है.
लेकिन या आई मीन बट यूजुअली मतलब मैं तो बिल्कुल ना इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ ना बताता हूँ या एंड ऑल दैट बिकॉज़ आई फील कि बहुत ज़्यादा ये मैंने बहुत सारे देखे हैं एक्टर्स जो लाइक वीडियो बना रहे हैं मैं खुद भी कभी भी नहीं बताया या किया ऐसा हो ही नहीं सकता ना क्योंकि आप एक चीज का और आप बात ठीक कह रही हैं कि सिर्फ रमजान की बात नहीं है हम जिस क्रू के साथ काम कर रहे होते हैं पूरा साल ऐसा नहीं कि उनको रमजान में ही जरूरत होगी या कुछ ऐसा होगा या हमारे फैमिली के इर्द गिर्द जो लोग हैं सिर्फ रमजान में लोग करते हैं मैंने देखा है कि पूरा सोशल मीडिया भरा होता है ठीक है एक नॉलेज देना कि फलां जो जगह पे आपको राशन मिल रहा है वो एक इंफॉर्मेशन देना एक और चीज होती है लेकिन एक चीज को दिखा के करना वो एक और चीज जो बंदा बेचारा ले रहा है उसको फिर आप इंटरव्यू भी करेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं आप But the reason I was asking was कि it's just to see इस पूरे जो ये हम शो कर रहे हैं ना हम सोचे थे हम ये क्यों कर रहे हैं तो मुझे ये लग रहा था कि हमारा मकसद ये कि बस हम एक याद करें कि रमज़ान आ रहा है एक्साइटेड हों रमज़ान के जज्बे को फील करें और सेलिब्रेट करें और उसमें मुझे लगता है चैरिटी और या शेयरिंग इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इट एंड हम तीनों में से किसी भी इंटेंशन ऐसी नहीं है कि हम शो ऑफ करें ओ हम चैरिटी देते हैं बट इट्स जस्ट अ सिंपल रिमाइंडर से भी ज़्यादा जैसे हम रूह अफ़ज़ा पे खुश हो रहे हैं तो हम उसी तरह इस बात को भी शेयर करें और आपको पता है कि हर इंसान में सिर्फ हम तीन हैं मतलब पूरी दुनिया में जिसके पास जितनी भी हैसियत होती है ना मैंने लोगों को देखा है जिनकी सिर्फ एक अमाउंट की सैलरी होती है ना वो भी अपने इर्द गिर्द लोगों का कर रहे होते हैं ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है या हमारे घरों के लिए हम एक्टर्स हैं इसलिए या कुछ बहुत सारे मैंने सैलरी पर्सन्स देखे हैं जो अपना एक हिस्सा निकाल के रखते हैं कि ये फलान लोगों के लिए लाइक मैं टू बी ऑनेस्ट मैं कैश अपने साथ रखता ही नहीं ठीक है लाइक एंड आप सड़क पर जाते हैं तो अक्सर यू नो देयर लाइक बैगर्स एंड ऑल दैट वो जो बेचारे आ जाते हैं मांगने और कई उसमें से बहुत सारे मुस्तहिक भी होते हैं तो कई दफ़ा मैंने अपने ड्राइवर को देखा है वो मेरे से भी ज़्यादा पैसे उनको दे देते तो मैं एक्चुअली आई गेट इन टू शॉक के यार मतलब बेचारे की कितनी सैलरी है या उसका दिल कितना बड़ा सो ये आई थिंक वेरी करता है पर्सन टू पर्सन या उसकी क्या नीयत है मुझे तो आई थिंक रमजान की दो तीन चीज़ें पाकिस्तान में इतनी अच्छी लगती है तो रात को लाइटें आपको इतनी इतनी देर तक एक आप कहीं भी जाएं आपको वाइब नजर आ रही होती है कोई मस्जिद से निकल रहा है कोई बाजार जा रहा है कोई वैसी चीज दे रहा है एंड प्लस यस आपको जगह जगह वो जो इफ्तार के ऑप्शंस नजर आते हैं कोई पानी दे रहा है कोई तो आई थिंक दीज आर द स्मॉल थिंग्स जिसको हम इंजॉय करना शायद भूल गए या अप्रिशिएट करना भूल गए आई थिंक छोटी चीजें बड़ी अच्छी चीजें हमारी पॉजिटिव चीजें ना पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव तो हम इतनी बातें करते हैं दीज आर आप जज्बा देखें बहुत सारे लोग हैं जो रमज़ान में क्या वैसे भी लोगों की अपने अवाम की इतनी खिदमत करें कितने सारे एनजीओज हैं मैंने देखे हैं जहाँ इवन कराची में भी और लाहौर में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं 24/7 खाना मिलता है और फ्री में मिलता है वो भी चल रहा है तो मेरे ख्याल में कि इसी इंसानियत और उसके ऊपर टिका हुआ है अभी तक सब कुछ दुनिया इसी पर कायम है आई तो काइंड जो रमज़ान के शुरू में शॉपिंग कर लेते हैं ईद की या अभी तो मैं एक बात बोलती हूँ कि नहीं अभी हम लोग तो बहुत लकी हैं कि हमारे पास डिज़ाइनर्स हैं बट पहले क्या होता था पहले तो मैं घर में ही पड़ी रहती थी मेरी बहन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उसके अंदर कोई उसकी एनर्जी कोई डाउन नहीं कर सकता तो वो और मम्मा मतलब लास्ट डे पे भी वो कहती है कि बाहर निकलो मैंने कहा अब तो सब ले लिया है लेकिन वो कहती है नहीं चांद रात की शॉपिंग अलग होती है वो पूरा महीना शॉपिंग कर लेती है लेकिन वो एक दिन रखती है कि अच्छा इसमें ना मैंने बैंगल्स लेके आनी है लेकिन वो मैं चांद रात पे ही लेके आऊंगी मुझे फील आनी चाहिए कल ईद है और मैं ऐसे पड़ी होती हूँ कि भाई मेरे से नहीं उठ रहा तुम जाओ मुझे इतना समझ नहीं आती वो कौन लोग जो ईद मतलब वो रमजान के शुरू में ईद की शॉपिंग कर लेते हैं ये नहीं तो बोरिंग लगता है मुझे लगता है वो एक्साइटमेंट जब तक लास्ट मिनट पे आप भाग नहीं रहे हो ना कि कुछ रह गया ईद के लिए इस बार मेरे में थोड़ी सी एक्साइटमेंट है तो एंड तक हो ही जाएगा कुछ ना कुछ आदिल व्हाट अबाउट गाइस कितना एक्साइटमेंट होता है या आप लोगों के लिए ईद बहुत बोरिंग होती है नो बिग डील बस सलवार कुर्ता ले लो कोई भी या उसमें थोड़ी थॉट पुट इन करते हैं नमाज के लिए जब से मैं ये ड्रामा इंडस्ट्री में भी आया हूं सो आई थिंक जब हम सेट के ऊपर काम करते हैं वी हैव टू गेट रेडी वी हैव टू चेंज लाइक 11 से 12 दफ़ा अपने कपड़े चेंज करने हैं दिन में सो ईद इज हाँ मैं मेरा ख्याल है शलवार कमीज पहन लूँगा बट आई स्टे एट होम और वैसे भी आम लाइफ में भी अब लाइक अगर आप मुझे वैसे ही लाइक यू नो इफ वी क्रॉस पाथ यू विल ऑलवेज सी मी मैं गर्मी में वेयरिंग शॉर्ट्स एंड अ नॉर्मल टी शर्ट और पजामाज और टी शर्ट आई डोंट लाइक टू गेट रेडी आजकल कमी चल रही है जब वो पूरी हो जाएगी ना फिर अदील आपको खुद फोन करके बताएगा कि आज मैं रेडी हुआ हूँ है ना इट्स ओके बट आई थिंक ईद यू आर राइट बहुत से हम लोगों के लिए ना वो हो गया एक छुट्टी का एक्सक्यूज या फिर देर तक सोने का बट
लेकिन मैं ना एक बात पे हैरान हूँ कि कुछ लोग होते हैं. मैंने अपने दोस्त से भी पिछले दिनों बात की थी. मैंने कहा ये कौन लोग हैं तो सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पिक्चर्स बनाते हैं. नहीं पिक्चर्स बनाते हैं, मैं ओवरऑल एक बात करी जो हमारे सोशल मीडिया पर चल रहा है. तैयार होते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, फिर लगाते हैं. हमसे तो सुबह उठा ही नहीं जाता, हम तो सोए ही रहते हैं. मतलब मेरी छुट्टी का दिन होता है, मैं बेड पे पड़ी रहती हूँ कि मुझे उठकर मत जाना पड़े. तो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया वो नहीं है जो आप सब देख रहे हैं. मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मतलब ये वो समटाइम्स ऐसे होता है कि मैंने एक हफ्ता पहले पिक्चर बनाई होती है तो वो मैं किसी भी दिन पोस्ट कर देती हूँ ना. किसी को क्या पता क्या चल रहा है. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया वो बिल्कुल नहीं है जो हमें लगता है कि अभी का सच है या ये सच है. ऐसा कुछ भी नहीं है. और जो लोग घर में बैठ के हमें देख रहे हैं या बाकी लोगों को देख रहे हैं वो उसको इतना नेगेटिव वे में भी ले रहे होते हैं कि क्या इनकी यार लाइफ है, कितना एंजॉय कर रहे होंगे ये. क्या कर रहे हैं लोग, एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन जो चीज हम बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं वो ऐसा है ही नहीं कुछ भी. हम भी घर में पड़े होते हैं, हमारा नहीं दिल करता उठने का. कसम से एक भी अच्छी पिक्चर नहीं आती. मैं कभी इतनी पिक्चर नहीं लगाती क्योंकि अल्लाह मेरे साथ सेम प्रॉब्लम है. देखो मेरी कोई पिक्चर अच्छी नहीं आती, मुझे कोई अच्छी नहीं लग रही होती कि मैं क्या क्या. और तुम्हारे मेरे से कहीं ज्यादा नखरे हैं ये देख लो. मैं तो फिर कहीं कह देती हूँ कि ठीक है. मैं कहाँ खींचता हूँ तो वही कह रही हूँ ना. तो तुम्हारे नखरे ही बहुत हैं. like so आप इसकी कोई ऊपर से भी कोई तस्वीर आएगी ना कि ये अदील चौधरी की है तो कहेगा कि नहीं अच्छी है. मतलब इसको कुछ पसंद नहीं आता है. नहीं नहीं like I'm not so fond of like getting clicked. What are you fond of? Traveling. Traveling and food. Traveling and food. Food. My two passions. चलें अब आते हैं घाटा की तरफ. थोड़ा सा घाटा को भी हम टच कर लें. Yeah. How was working again with each other and all that? मुझे पहले नेगेटिव कैरेक्टर के लिए का जो ज़ैन प्ले कर रहे हैं वो आपका जो ज़ैन वाला. लेकिन क्योंकि मैंने इससे पहले फासिक भी किया था और मुनाफिक में भी नेगेटिव था मेरा. सो मैं आई वॉन्टेड टू गेट अ ब्रेक फ्रॉम इट. एंड प्लस मेरा ये मानना है कि लाइक जितने आप नेगेटिव कैरेक्टर्स करते हैं उतने ही आप अपनी लाइफ में यू नो ऑब्वियसली डिफेक्ट्स यू. कि आपने उस नेगेटिविटी में रहना है, आपने उस तरह सोचना है. सो समवेयर आपका थॉट प्रोसेस जो है. सो देन मैंने अपने जो मेरे प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला कादवानी एंड असद कुरैशी, मैं आई रिक्वेस्टेड असद भाई कि लाइक यू नो I would like to do the other one, and he was kind enough. He said, "Okay, ठीक है तुम वो वाला कर लो, because both characters are equally good." Yeah. And in fact, negative is a very strong character. तो मैंने जब वो पढ़ा तो मैंने कहा ठीक है ये कर लेते हैं. And like Momna was there, so because we worked in Samjhota also, तो हमारी एक chemistry बहुत अच्छी थी. Even though उसमें मेरी भाभी थी, लेकिन इसकी यार मुझे पता था ये बोलेगा. लेकिन इसकी अपने हीरो से ज़्यादा मेरे साथ chemistry थी. So जिसमें हम दोनों आपको काम करके दिखाई. हमेशा बोलता था लेकिन इसकी जुबान सच्ची हो गई. हाँ फिर हमने किया तो हमने किया. लेकिन उसमें मेरे और इसके इतने सीन्स तो नहीं घटा में. हाँ she has more work with Zain. But I think it was a wonderful experience. And I think credit goes to our director Asad Jabal, who has done an amazing job and the way he has shot it. And you know, it was actually a pleasure working with him. What about you, Momna? अच्छा ये तो हो गया. अब ये जो आपने बोलना था कैमरे के हिसाब से अच्छा बोला है. अब और भी कुछ हमें बताएं. क्या अभी मैं आपकी जगह थी. ठीक है ठीक है चलो बताएं. देखिए ये तो हो गया कि आपने सब ये तो था कि कैमरा ऑन है, आपने सब किस बारे में अच्छा अच्छा ही बोला था. अब आप समझे कैमरा ऑफ हो गया. अब आप बताएं. कितना मेड अप था. आपको फील हुआ ना कितना मेड अप था. नहीं 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 मेड अप था क्या. मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि आप ऐसे कहेंगे. नहीं मजा आया हमें शूट करके. हाँ तो ऐसे बात करो ना. ये है कि मुझे शूट करने का पता नहीं. असद भाई के साथ हमारा एक है मतलब भाई वाला सिस्टम है. ठीक है तो हमने इतना एंजॉय किया ना उनके साथ काम करके. इवन हर सीन को हम वो मतलब बंदा उसके अंदर इतना इन्वॉल्व था ना स्क्रिप्ट में कि हमें होना पड़ा. हमें भी उतना सीरियस होना पड़ा और हमने
उसको बहुत अच्छे से एज टीम हम सब ने बहुत अच्छा काम किया, सब ने, इवन सुकैना ने, जैन ने, इवन सदफ जी ने, मतलब हाँ सब ने इतना अच्छा किया, मुनज़्ज़ा जी ने इतना अच्छा किया, मोहसिन सर ने इतना अच्छा किया, उस्मान पीरज़ादा उन्होंने, और मैं कहती हूँ जब आपके साथ सीनियर भी मिलके काम कर रहे होते हैं ना, वो इतना अच्छा बन जाता है ना, और वो बना है, और हम सब सेट पे ऐसे कभी भी नहीं हुआ था कि ये अपने कमरे में ही, मैं अपने कमरे में, हम सारे एक जगह बैठते थे और हमने बहुत फन किया। अक्सर ये भी होता है कि किसी एक्टर में एक नेगेटिविटी आ जाती है या किसी दूसरे को कहता है कि हाँ। नहीं मेरा ऐसे होना चाहिए या प्लान, सो हमारे अंदर वो कंपटीशन भी नहीं था, नहीं था, हम चारों इतने कूल थे ना, मैं, जैन, सुकैना, ये हम सब लाइक फ्रेंड्स की तरह, अभी ये हो रहा, अभी ये, हमने बहुत सीरियस, और समटाइम्स ऐसे होता था कि इसके साथ मेरा से भी ये प्रॉब्लम था कि सीरियस सीन में भी हंसी जाते थे, लाइक मुझे लाइंस कभी कभार भूल जाती है लेना नहीं है, डू यू फाइंड इट अ बिट चैलेंजिंग टू चूज द राइट स्क्रिप्ट? अभी इस पर कुछ मैं कहना तो नहीं चाह रही, क्योंकि अभी नहीं बताया ना, अभी आप नया सीरियल कर रही, कैसा एक्सपीरियंस क्या है यार, अभी मैं उसको नहीं डिस्क्लोज करना चाहती, इतना मेगा प्रोजेक्ट मैं क्यों बताऊंगी, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो जब स्क्रीन पे आएगा वो फिर पता चलेगा। नहीं, हम उसकी तो, लेकिन हाँ स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट में यही है कि मतलब पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा आप सास बहू दिखा रहे हैं या एक वही रोना धोना, अभी मेरे साथ ये है कि मैंने नेगेटिव किया तो लोगों ने कहा कि इसकी तो शक्ल नहीं थी, इसने क्यों नेगेटिव किया, मतलब लोग इसे रिलेट नहीं कर पा, या नीचे कमेंट्स आते हैं कि इतना नेगेटिव इसके फेस पर नहीं है, तुमने भी तो किया ना नेगेटिव, तो इसकी वाली बात ठीक है, आप खुद भी नेगेटिव हो जाते हैं जब आप ऊपर नीचे दो तीन करते हैं, मैंने ग्रिफ किया फिर मैंने एहसान फरामोश किया, तो मुझे वाकई बहुत मसले हुए मेरी पूरी, और उससे एक अच्छी चीज़ ये हुई है मेरी लाइफ की, नेगेटिव करने के बाद मैं ढीट हो गई हूँ, मुझे अब किसी की कोई चीज़ इफेक्ट ही नहीं करती, पहले मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था आपको याद होगा, वो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें वो आज भी लोग मुझे टैग करते हैं, जिसमें मैंने बोला था कि मैं इतनी सेंसिटिव हूँ कि मैं किसी छोटी बात पे रो पड़ती हूँ, मुझे हर्ट हो जाता है तो मैं रो पड़ती हूँ, मुझे ऐसा फील होता है, अभी वो करेक्टर्स करने के बाद और लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया की अब कोई चीज़ इफेक्ट कर ही नहीं सकती, मुझे नहीं करती सिर्फ वो नेगेटिव करने के बाद। बट इज इट बिकॉज द कैरेक्टर दैट यू डिड इट अफेक्टेड यू, या वो जो आपको कॉमेंट्स आए उसने आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया? कॉमेंट्स का नहीं है मुझे, मुझे जो करेक्टर हमने 8 महीने 9 महीने हम एक एनर्जी को कैरी कर रहे होते हैं, इसने भी किया फासिक, और वो तो वो इतना नेगेटिव होता है कि आपकी आपको अपने सराउंडिंग में भी ना, आप जैसे एक इंसान नेगेटिव होता है ना, ऐसा नहीं होता, ग्रे शेड होता है, ब्लैक एंड वाइट वाला सिस्टम नहीं होता है, हर इंसान अच्छा बुरा दोनों होता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी ना इन करेक्टर्स के बाद, मुझे ऐसा लगा कि वाकई लोगों ने तो बोलना है, आप पॉजिटिव कर रहे हो तब भी, नेगेटिव कर रहे हो तब भी पॉजिटिव नहीं होता यार, हर वक्त रोता हुआ दिखा रहे हैं, तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ब्लैक और वाइट होता है, ग्रे पे हम बहुत कम लेकर चल रहे होते हैं, तो वो चीज़ है, अगर आप रोने वाला कर रहे हो तो फिर ये तो बहुत रुला रहे हैं, ये तो इतना बेचारा दिखा दिया, ये वो स्क्रीन पे आपको वो एक ड्रामा है और आपको उसी तरह से उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दैट इज़ नॉट रियलिटी, रियलिटी में आप कुछ ना कुछ तो करेंगे, हाँ तो रही बात स्क्रिप्ट की, तो यही है कि यही चल रहा है ब्लैक और वाइट, तो यू हैव टू चूज़ ब्लैक और वाइट। अभी मुझे ऐसा स्क्रिप्ट अगर मिला कि जिसमें आपको सारे शेड्स मिल रहे हैं, आप एक इंसान अच्छा भी है एक इंसान बुरा भी है, तो वो आई लव टू डू दैट। आप कुछ कहना चाहेंगे? Scripts तो almost same. He's not interested. I mean, he's given up. I have lost hope in the scripts. But that's a really sad statement to hear. You know, because मैं 2018 से like I got into the drama industry and like वही scripts हैं like थोड़ा सा आगे पीछे करके, but I think because of OTT platforms, I think अब just हमारे writers हैं वो भी शायद अपनी गेम को अप करेंगे और डिफरेंट स्क्रिप्ट्स लिखना शुरू करेंगे, और आई थिंक इसमें ऑडियंस का भी बहुत बड़ा रोल है, मैं प्रोड्यूसर भी तभी ये चीज़ें बनाते हैं क्योंकि द ऑडियंस वांट्स टू सी दैट। सही बात है, अगर आपकी रेटिंग आ रही है तो सारी चीज़ें, सो सही बात, व्हाई वुडंट फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडियंस के ऊपर भी डेफिनेटली है। ओके जी, ठीक है, तो ये तो हमारी ये
बैठ के चाय के साथ वाली गुफ्तगू थी। अब हम चलते हैं कुकिंग सेगमेंट की तरफ, ओके, जिसमें आपको चैलेंज है, एक फन गेम भी, और हम रेसिपी भी एक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हाँ, मैं तो जिंदगी में नहीं कभी कुछ कोई चीज बनाई, तो बस आज आपको पहली बार आपकी करेंगे ना, ठीक है, सो बी एक्साइटेड अबाउट इट। ओके, सो लेट्स गो। क्या मोमना, आप अकेली हैं? कहाँ है अदील, कहाँ है? वो रेस्ट मोड में, रेस्ट मोड में है। वो कह रहे हैं उन्हें इनवाइट नहीं किया, वो कह रहे हैं हमेशा ऐसे ही रहता है। अदील आप सेट पे भी ऐसे ही था, यू कांट गेट आउट ऑफ इट, यू हैव टू कम, यू गाइस हैव टू इंट्रोड्यूस मी। तो आप लोग देख सकते हैं आगे वीडियो में, ऐसा ही कुछ चलने वाला है। सो अदील को बहुत मुश्किल से लाए, अदील सोफे से उठ ही नहीं रहते, ये तो आपने बहुत छोटी सी विंडो देखी है, छोटा सा वो देखा है, वहीं बैठ के सब हो जाए। इसे क्या करना है, क्यों करना है, करना है वाकई करना है? तो अदील, यू डोंट लाइक कुकिंग? एक्चुअली मैं बड़ी, मुझे होमली सी फीलिंग हो रही थी, सो आई जस्ट वांट टू किचन है ना, आपका होमली फीलिंग में किचन है ना, यहाँ पे हम करेंगे। सो आइडिया ये कि हम इफ्तार की एक चीज कुक करने वाले हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स पहले आप दोनों ने एक दूसरे को गेस कराने, कुछ इंग्रेडिएंट्स आप इन्हें गेस कराएंगे और ये आपको कराएंगी ड्रॉ करके, ठीक है? ठीक है, सो और जब हम कर लेंगे तो देन वी विल मेक इट। ओके, सही, नो चीटिंग। कौन पहले ड्रॉ कर रहा है? लेडीज फर्स्ट। अल्लाह इज, ये नहीं करते क्या सेट पे वैसे? नहीं, मैं बहुत कैसा लेडीज फर्स्ट वाला, ये हमारे सेट की रौनक है। अगर आपको किसी की यू नो जो कंट्रोवर्सीज चल रही होती हैं, अच्छा उसका क्या हुआ यार, वो सुना उसका क्या, ये वो वाला आदमी है, मतलब इसको बहुत शौक है कि अच्छा फिर उसका क्या। और ये नहीं होता कि हम बैठ के बातें करें, ये चलते चलते आएगा ऐसे सेट पे, यार कोई गॉसिप क्या, तुम सुना क्या चल रहा है, बस लाइक ही इज लिटरली लाइक दैट। किसका क्या चल रहा है आजकल, बताएं प्लीज, बताओ, कोई हिंट दे दे। नहीं, इसके पास काफी कुछ है। नहीं, मैं मेरी तो इंडस्ट्री में इतनी है ही नहीं दोस्ती, है इंडस्ट्री के बाहर गॉसिप के लिए दोस्ती की जरूरत होती है? लाइक ये बताओ तुम, यू जस्ट नीड टू हैव द राइट रिसोर्सेज। सारे एक्टर्स बैठते हैं का क्या मतलब है, हम तो सारे ही बैठे होते हैं ना, हां पिचिंग करते हैं। ओके ओके, अच्छा ठीक है, सो आप लोग हमें कोई गॉसिप नहीं दे रहे, बोरिंग, आप लोग ने डिसअपॉइंट कर दिया, हमने सोचा कुछ सुनने को मिलेगा। पहले आप योर ड्रॉइंग, ठीक है जी, ये आपकी पहली लिस्ट है, उनको नहीं दिखाइएगा ना आप चीटिंग करें, ये पहला वाला जो आपने ड्रॉ करना है। ओके ठीक है, ये पहला वाला जो ड्रॉ करना है, चलें स्टार्ट। You can choose the color. जो color उस चीज़ का actual होता है। बहुत मुश्किल है, लेकिन चलो। Maybe, maybe, हाँ, ये नहीं, ये भी नहीं. I don't know. You choose. तो pen से नहीं कर सकते? Pen से नहीं कर सकते, लेकिन कुछ, you know. अच्छा, you wanna make it colorful. Color भी तो होने चाहिए ना उसमें फिर. हाँ. हम ना कुछ mix करने की कोशिश करते हैं. कहीं ना कहीं ये भी होता ही है. Not bad. You're artistic. Yes. Wow. Sometimes. आपको draw करने का शौक है? मैं वो बनाती हूँ। इसका ये है, ये जब मैंने जिस जिस को दिया है ना, आप ना चाहते हुए भी ना आप ड्रॉ करने लगते हैं, आप सिंपल स्केचेस ही बनाते हैं। लाइक दैट यू आर सम पिकासो, हां? नहीं, मैं इतनी भी, मैं इससे तो नहीं किया कभी भी, लेकिन क्या हो सकता है, आप गेस तो करना शुरू करें। इन्होंने अपना चेहरा मुबारक बना दिया। इतना गोल नहीं है अब तो, फिर भी थोड़ा सा पतला हो गया, कुछ शेप निकल आई है, वरना पहले कुछ ऐसा ही दिखता था। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, मेरा तो। अरे आप गेस तो करें क्या है भाई। यस, अनियन। Oh my God! Thank you. कैसे आपने guess किया है? आपने देखी थी लिस्ट हमारी? नहीं नहीं नहीं। I'm a big foodie. तो इसमें अनियन कहाँ से पता चल रहा है कि ये अनियन है? यार उसने जिस तरह वो ये दो कलर उठाए हैं तो पता चल गया था। तो क्या पता खाने की चीज हो सकता है, हमने वो फ्राइंग पैन बना रहे हो अभी हम? नहीं नहीं, अब इसकी फ्राइंग पैन की मुझे थोड़ी नहीं पता। सी दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, इन चीजों का जो ऑयल पेस्टल्स है ना, इसका कुछ है कि यू स्टार्ट डूइंग दिस। बड़ा अच्छा बनाया है इसने। मोमना नेक्स्ट पे चलें। अब मेरी बारी। यार मैं चाह रही हूँ कि बस पूरा तो हो जाए, ऐसे तो गलत बात है ना, फिर ये भी ऐसे करेगा, ये वैसे ऑलरेडी सुस्त हुआ हुआ, मैं चाह रही हूँ कि कुछ अच्छा थोड़ा सा। पहले मैं दिखाऊंगी भी ना कि मैंने क्या बनाया, ऐसे थोड़ी है। Very nice, Mona. Really nice. We are so proud of you. Okay. Now the second one. Okay. नहीं, मेरी बारी नहीं आई। आई आई। कहाँ तो अदील खेल ही नहीं रहे थे, अब अदील कह रहे हैं कि आएगी आएगी। Wait, wait, wait. Wow. क्या सलामी है? Sausage.
I like the touches that she's making, making sure के कुछ भी guess तो करें या आप एक दफा guess करेंगे right? हाँ बोली ओ अच्छा तो चलो बस हो गया ये क्या watermelon नहीं नहीं अल्लाह माफ करे दिल मतलब seriously एक ही मतलब एक ही कलर कैसे हो सकता है ये the colors have to be reversed for watermelon right नहीं मैंने समझा उसने चील दिया हो ना ऊपर से चील दिया ऊपर से ऑरेंज नहीं हल्का हल्का सा हम इसको भी ऐड कर सकते हैं ना मतलब उससे कलर सकते हैं क्या अच्छा आपके पास पता है क्या एक यार अदील ही इतना इजी है यार ये हर जगह यूज होता है इसके बाद यही हां इसके बाद यही तो आता है अनार इसके बाद ये आता है खाने में कौन डालता है हंडिया में हां टमाटर अच्छा आपके पास है ना तो आपको हम ये चॉइस दे रहे हैं आप किसी को कॉल करके पूछ सकते हैं अच्छा ठीक कि ये लाल रंग ग्रीन रंग की चीज क्या हो सकती है योर मदर और सम फ्रेंड हु कुक्स यू कैन कॉल ये तो बड़ा ही मुश्किल है बनाना ये मुश्किल है लेकिन कोई नहीं मैं बना लूंगी कुछ तो करेंगे ट्रस्ट यू कुछ तो हम करेंगे हां बट नॉट बैड शी इज डूइंग अ गुड जॉब थैंक यू हां अब ये मुझे नहीं समझ आ रही कि आप इसे कैसे बना रही हैं ओके ये तो मिल्क है नहीं नहीं उसके उसके जैसी कोई चीज है योगर्ट ये नॉट बैड अब अगर तूने इतनी भी मेरे से केमिस्ट्री नहीं दिखाई ना तो ये 7-8 महीने जाया है अदील थैंक यू सो मच ये योगर्ट था मैं इसमें लिखती भी ये देखते हैं अब कैसे होता है ये भी इजी है ये भी इजी है हां ओके मुझे ये सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा है नहीं ये मुझे लगता है ओह ये हमारी किसी और ने भी ऐसी ड्रॉ किया था आई डिडंट नो यू गाइस आर सो फैमिलियर विद दिस हैव यू एवर ईटन इट आप क्यों हंस रहे हैं आपको क्या पता क्या है ये इमली की चटनी है नॉट बैड हैव यू हैड इट हैव यू सीन इट आई मीन लाइक आई हैव सीन इमली आई नॉट बैड भाई आप लोग बड़ा वैसे मूंगफली भी हो सकती थी नहीं ये कलर इतना डार्क इसका ही हो सकता है मूंगफली का तो सकता है पर मैं दिखाऊंगी ये देखें आई एम रियली लाइक मूंग यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट विद क्या टच है ओके ये वाला आई हाय ये तो बहुत ही मुश्किल है बट इट्स ओके ठीक है Let's see, ये कैसे होता है? देखिए। वैसे ये करने का कितना इसका अपना मजा होता है ना एक you know you just बताओ दीली क्या क्या है ये क्या है बताओ जरा बटर उसको इतना भी नहीं पता होगा क्या बताया तो है अब लास्ट आई एम अ बिग फूडी लास्ट व्हिच लास्ट थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये हमें दूसरी लिस्ट मिल सकती है तब तक अदील के लिए अदील इज सो एक्साइटेड टू ड्रॉ अदील चलो अभी ये पहले मैं ना एक चीज बनाती हूँ इसके ऊपर रखते हैं ठीक है सी दिस ये ठीक है ना इसके ऊपर हम रखते हैं आई लाइक द वे शी इज डूइंग आपको क्या लग रहा है अदील क्या हो सकता है ये क्या बना रही हो तुम अब ये ऐसे ही होता है भाई कुछ भी हुआ हुआ है उल्टा सीधा बनता है ये सब बुरा बुरी हिंट नहीं है जब पता चलेगा कि तो फिर मेबी यू कैन फिल देम अप हां तो फिर थोड़ा सा ज्यादा हां अब तो हिंट दे दिया हमने व्हाट डू यू थिंक इट कैन बी थ्रो अ गेस कुछ तो गेस करे ना अदील कुछ तो बोले यार हम डाइट वाले ही खा सकते हैं ये बस अदील अब ये तो उन्होंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया अच्छा अदील का ये सोच होता है एक ही दफा जवाब देते हैं जल्दी से गोला कबाब 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 एक गोला कबाब मैंने प्लेट ठीक से नहीं बनाई थी लेकिन फिर भी हमने ये मैंने अपना कंप्लीट किया चलो लाओ मेरी बारी है ये इसका मुझे देख के ये एक्साइटेड हुआ है सब जो मैंने किया है ओके ये आपकी लिस्ट है पहला अल्लाह मैं मेरी अच्छी केमिस्ट्री अब पता चलेगा अब कितना अच्छा ड्रॉ होता है इतना बड़ा बड़ा नहीं करना एक ही पेज है कुकम्बर है ओके भाई आप लोग तो बहुत जबरदस्त क्या सेकंड वाला करना जी चीटिंग नहीं करती मैं लिस्ट से करते जाएं अच्छा ये जो है इसी का मैंने नुकसान उठाया कि मैं चीटिंग नहीं करती देखो ये जो है ना हां ये इसी तरह ग्रीन होती नहीं बोलने से मत बोलो अच्छा ये हिंट्स नहीं दे सकते आप ओके धनिया है क्या कि अदील ऐसा कैसा कुछ होता है ये अच्छा बोल में मैंने डाली ये यू आर गिविंग हिंट्स
बॉल में डाली है ना. यू कांट से दैट. नहीं लेकिन मैं समझना चाह रही हूँ पालक है क्या है ये ऐसे ऐसा क्या होता है. लिखना नहीं है क्या. अच्छा ये क्या है. ऑलराइट या ही इज ट्राइंग टू गिव यू अ हिंट. अच्छा तोरी है. नो ये डोंट डू दिस. इसको कूटा है ना. हरी मिर्च है ये. इसने हरी मिर्च बनाई है. ये हरी मिर्च है. हाँ ये हरी मिर्च है. बट वो बनती किस चीज की वैसे. भिंडी. अब मैं बता दूंगी तो फिर भिंडी क्या. है नहीं नहीं कैसे वैसे किस चीज की बनती. इसको खुद नहीं पता ये क्या ड्रॉ करेगा. ये भी डलता है. और क्या होता है. धनिया पुदीना भी डलता है. हाँ अब तो बता ही दिया मैंने. चटनी यार ग्रीन चटनी क्या था ये. ग्रीन चटनी यार. तो तुम ये मत बनाओ ना. तुम बस चटनी तो किया तो है ऐसे भी किया है ना. अच्छा अच्छा चलिए अगला वाला. अच्छा हाँ लेमन. ये तो आप लोग तो यार आप लोग तो बहुत आसानी से. यू आर जीनियस. हाँ यू आर जीनियस सीरियसली. अगला वाला. नहीं मैं नहीं देख रही. मैं चीटिंग नहीं करूंगी क्योंकि मैं खुद को एक किक देना चाहती कि मैंने ऐसे ही जीता. लाल मिर्च. शी इज सो श्योर. लाल मिर्च ही हो सकती है. क्या है ये. ये लाल की क्या. इसको इसको आपने क्या दिया है. ये क्या कर रहा है यार. अच्छा ये ना इसके साथ खाते हैं. किसके साथ. नहीं ये है क्या बाय द वे. ये क्या है. किसके साथ खाते हैं ये. केचप है. ये क्या है वैसे. समोसा यार आप. ये आप लोगों को कहां से समोसा लगा. और ये केचप देखिए जरा. मैं होती ना पाउच बनाती उसके ऊपर मैं कुछ पता चलता कि ये. और एक तो ये चटनी कहां से लग रही है. और ये तो रही कहां से. सॉरी दिस इज समोसा. दिस इज एयर फ्रायर. एयर फ्रायर. इसीलिए इसको बहुत ज्यादा जरूरत है कि कोई इसके घर आके खाना बनाए. ओके एयर फ्रायर. अच्छा लास्ट टू रह गए आई थिंक. ये तो मुझे नहीं पता ये भाई क्या है. फिफ्थ वाला. You have never eaten that? नहीं. क्या है ये? Seriously नहीं. चलो लास्ट वाला तो करो ना. तुम हार तो गए हो. अच्छा, उसकी खुशी मुझे बहुत हो रही है. अच्छा लास्ट वाला करें. लास्ट वाला क्या है. आलू है. नहीं नहीं. इसने जैसे रखा मैंने कल जीत के. क्या ये क्या है. आलू. कलर थोड़ा लाइट होना चाहिए. आलू तो नहीं है. तो फिर ये क्या बनाया है इसने. हाँ ये वैसे बुरा नहीं है. इसमें मैं ऐसे करके एक वो भी डाल देता हूँ. ये क्या है इसके अंदर. ये क्या है. इसके अंदर क्या डाला है आपने. अच्छा ओके ओके आई गेट इट अ लिटिल बिट. हाँ तो मैं समझ नहीं आ रही क्या है. नॉट बैड. कह रहे तो मैं समझ नहीं आ रही क्या है. क्या है. अच्छा बन कबाब है. हाँ ओके कितना अच्छा बना. तो आप लोगों ने गेस कर लिया. फाइनली कुछ अच्छा बनाया इसने. बन कबाब की आप शक्ल देखें. Nice, it's nice. आप लोगों ने गेस कर लिया हम क्या बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं. आप लोगों ने क्या क्या गेस कराया अभी. कबाब है. बन है. चटनी है. ओके बन कबाब बना रहे हैं. बन कबाब बना रहे हैं. मोमिना आपने कभी बन कबाब पहले लाहौर में नहीं खाया था. नहीं लाहौर में नहीं होते बन कबाब. क्या नहीं इतने तो नहीं होते मुझे नहीं पता. बट बर्गर्स होते हैं अलग अलग तरह के. लेकिन ये बन कबाब मुझे कराची में आके पता चला कि बन कबाब क्या चीज़ होती है. बट खाया कराची में. बहुत खाया है. हाँ शूट्स पे. कौन सा वाला. आलू वाला या. सारे खा लिए अब तक तो. इतने सालों में मैंने सब सब ट्राई कर लिया है. बन कबाब में हम ये इफ्तार के लिए बन सकता है. बन कबाब हम इसको बना रहे हैं. और कौन बिस्मिल्लाह करेगा. मैं बनाता हूं. अभी जिसको कुछ शेफ चाहिए था. इधर आ इधर आ. बटर में करेंगे हम. अच्छा तो हल्का सा बटर. बटर वी नीड अ स्पून. या इसी में से थोड़ा सा ले लेना. वो बता रही है ना उधर. वो थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा लेके ना. हां इसके ओके उसको छोड़ दे. वो खुद ही हो जाएगा. वो ये वर्ल्ड बुक में अनियन वाला नहीं. क्यों वो अनियन वाला है. वो ना वो प्याज वाला है. अच्छा इसको आपने. व्हाई हैव वी ब्रॉट दिस यू थिंक. क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था. इसको पहले पूरा ऐसे ऐसे करो. इसको काट. ये ये इसको पहले पूरा ऐसे ऐसे करो ना ऑयल को. हाँ हाँ ऐसे. चलो नॉट बैड. ओके इतना ज्यादा इससे कम कर सकते हैं आप लोग. इतना फुल ज्यादा भी बटर नहीं. थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसे ऐसे भी. यस लिटिल 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 भी. हां चलो देखो मामला से कंट्रोल नहीं हुआ. ये देखो थोड़ा सा हां गलत चीजें बर्दाश्त ही नहीं होती. बहुत कर ली मैं पहले ही. या अच्छा अब ब्राउन हो रहा है नीचे से. देखिए हम कितना अच्छा सा ब्राउन हो गया. सी ओ ये अच्छा हो गई. मजे का बनेगा.
निकाले तुम इधर आ जाओ दरमियान हम खाएंगे भी ना तो मैं चाहती नहीं हूँ खराब हो जाए इसको टर्न कर दें ताकि वो अच्छा लगे बहुत ज्यादा बटर डाल दिया बट बहुत ज्यादा अब वाला जो आएगा ना वो बिल्कुल सही होगा वैसे मुझे बटर वाला अच्छा लगता है I like it. लेकिन इतना भी नहीं ना जो इतना कॉन्शियस हो खुद डाइट को लेकर वो इतना ज्यादा बटर तो एक बाइट लेनी है खाएंगे भी या नहीं खाएंगे ओके चलो जी परफेक्ट ओके एंड वन मोर एक ब्राउन हो जाए आप लोग कैसे बनाते हैं हमें नीचे कमेंट्स में अपनी रेसिपी शेयर करें तो हम अभी हम आलू वाला करें एंड मोमना जिसे कभी पहले नहीं ट्राई किया था नहीं मुझे सिर्फ रोटी बनानी आती है Can you make the gol roti? हाँ, गोल होती है? हाँ, बिल्कुल मेरा पराठा सबसे अच्छा होता है। गोल रोटी के बारे में क्या सुना हुआ है? क्या कहते हैं अगर रोटी गोल हो तो क्या होता है तो आपकी सास बड़ी अच्छी होती है कहावत सुनी है कहाँ है पहले ढूंढ के तलाओ सास कहाँ है जहाँ भी आई एम श्योर अच्छी है आपने ऐसी कोई बातें सुनी है अदील या नहीं मैंने अदील इज बिजी ईटिंग स्लिम अदील इज लीस्ट मैंने मैंने थोड़ी बहू बनना है मैं क्या सुनूंगा ब्राउन क्यों नहीं हो रहा अभी हो जाएगा भी हो जाएगा दूसरा भी इसके साथ ही था ना स्लो है वैसे ये वाला कि ये वाला नहीं ये वाला ये वाला हां ये वाला ओके सो हम एक ये वाला बना लेंगे और एक दूसरा वाला बना लेंगे अदिल व्हाट इज अ गुड प्लेस टू ईट पन कबाब इन कराची ये घर से निकलेगा ये घर से निकलेगा तो इसको पता होगा कि क्या है कबाब इन कराची बंस रोड पे ये तुक्का नहीं नहीं बंस रोड नहीं नहीं छोटे कबाब नहीं बंस कबाब नहीं मिलता आई हर्ड इट्स रियली फेमस फॉर नो बंस रोड पे बन कबाब नहीं मिलता भाई वहाँ निहारी वहीद के कबाब और वो सब ये बताएं पाए कहाँ से अच्छे मिलते हैं ये बाप से पूछ रहा है ताकि ये तो खुद नहीं 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 कराची में नहीं आप ये बात मैं बताऊं कि इसने गोल किया जो फूड नहीं इससे कराची का है ना पहले आप बताएं बन कबाब कहाँ से अच्छे मिलते हैं सो यू आर टेलिंग मी कि यू हैव नेवर हैड बन कबाब इन कराची स्ट्रीट पे जाके फूड मैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ देसी फूड देसी फूड और मैं इतना खाता नहीं बन कबाब से बंस रोड पे मिलते हैं ना आपके साथ मजाक कहाँ पे आते any international restaurant yes true momna ye aapne itne acche fry kiye ki shakal hi nikal aayi hai seriously yes, please, I'm actually ye ab hum rakhe hain iske upar rakh dete hain ha theek hai aur wo dusre wale ko hum dusre pe rakhte hain to hum wo bhi kar lete hain na because we will need to acha ab hum na ye hum side pe rakhte hain aise side pe rakhte hain nahi momna ne kaha aise nahi sorry momna kharab ho jayega ye idhar rakh leti hu isko uske upar aap uske upar aap pyaaz dete hain we'll share एक ही बहुत है हमें अपना शौक पूरा करने दे अभी अच्छा। हम बना हम एंजॉय करने बना हम आलू वाला भी ट्राई करना और हमने कबाब वाला अदील तुमने बताया नहीं राबिया जी को कि आप बहुत एक मेथड एक्टर हैं हाँ। और आपसे ऐसे एक्टिंग नहीं होती है तो ये अभी क्या कर रहे हैं मेथड अदील अभी क्या कर रहे हैं मेथड 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 बताओ अदील क्या होता है क्या होता है प्लीज एजुकेट ये सच में फील करता है उन सब चीजों को Seriously? हाँ, बड़ा sensitive बात है। बहुत sensitive है। मतलब ये रोते हैं तो फिर चुप नहीं करते रोना सीन के बाद। नहीं रोना धोने का सीन नहीं है उसका उसका है प्यार मोहब्बत इश्क तो मैं असली में करूंगा एक्टिंग नहीं होती यही करता वो मुझे इंस्पिरेशन चाहिए होती कहाँ से इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन लेते हैं क्या करते हैं क्या मतलब आ जाती है अल्लाह ताला को सच बताओ मैंने आप किस्सा सुना देना मोमना मैंने इसको झेला है मोमना किस्सा सुना मैंने इसको झेला है क्या व्हाट वुड ही डू मतलब ये बहुत सीरियस हो जाता है कि हमारा एक सीन हो रहा था हम समंदर पे थे तो अब मुझे लगा क्लोज हो रहा है कि बस ठीक है
कर लेगा आप खुद ही, जैसे मैं भी कर ही रही थी, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे कर। तो इसके क्लोज में कहता है मैं नहीं करा, हाथ नहीं पकड़ा रही, मैं नहीं करा, ये क्या बात हुई, मेरा क्लोज खराब हो जाएगा, मुझे फील ही नहीं आएगी। ये कौन, मतलब कोई किसी को भी नहीं चाहिए होता ये, सब इसको चाहिए होता। कहते मैं मेथड एक्टर हूं, मेरे से मजाक नहीं होता काम के टाइम। वो सही रहे ना, यू डोंट वांट हिम टू प्रिटेंड, राइट? यू हैव टू बी, ही इज ट्राइंग टू फील। ये कितना अच्छा हो गया ना, ब्राउन हो गया, बहुत अच्छा हो गया, दैट्स ट्रू, बिस्मिल्लाह। यू हैव टू बी ट्रू टू योर वर्क। वैसे कहे तो वो सही रहे, हमने यार ऐसे होने लग गया तो फिर पता नहीं हम काम कैसे करेंगे। अच्छा हम इसको रिमूव कर देते हैं, हम इसको यहां से हटा देते हैं ताकि हम आराम से टेबल पे। अब अदील भी कुछ कर ले, अब अदील की बारी, अदील इधर आ जाओ, अब तुम बनाओ इसको, एटलीस्ट इतना तो तुम कर ही सकते हो। हमारे पास स्पून है या फोक, वेट देखें, जो वहां पे बनते हैं वो हाथ से डालते हैं, समझा रहे हैं ना, वो हाथ से डालते हैं, नहीं हमें हाथ से नहीं खाने, जायका तो तभी आएगा। एक मिनट, वहां से टिश्यू पेपर लेके उठा लें पहले, जायका ऐसे नहीं आता। अदील ने बंद कबाब पहले कभी नहीं खाया, वो अदील से नहीं करना, नहीं यार मेरी अपनी रेसिपी है ना, प्याज पे करेंगे ना हम, प्याज पे करेंगे। हां प्याज पे नींबू अच्छी तरीके से उधर रखना भाई, ये सीरियस रेसिपी है, लोग ट्राई करेंगे, सो इसको सीरियसली। मैंने कितना दिल से बनाया, आप देख लिया मैंने कैसे इसको ब्राउन किया, ऐसा ऐसे तो नहीं होता, कुकिंग तो हाथ से ही होती है। तो हम कौन सा मुंह से किया हमने, नहीं मतलब मैं डाल देता हूं ना, नहीं हाथ साफ है मेरे, नहीं आई डोंट लाइक टोमेटोज भाई, ये फिर तुम खा लेना। हाँ मैं खा लूं, थैंक यू, नहीं तो अदील ने ना सब कुछ खराब कर देना। इसको लगाओ। अच्छा इतना थोड़ा सा, थोड़ा इतना मरहूम सा थोड़ी होगा, पहले चटनी तो लगाते हैं ना, चटनी तो डालें, इसके ऊपर लगा देते हैं ना। हाँ अदील हमेशा ये जो आलू वाला होता है ना, इसको पहले ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ what's wrong with you, wait wait, नहीं अब बन गया, don't ruin our बन कबाब। Oh my god, इसको ऐसे करते हैं पहले ऐसे। हाँ ऐसे कभी खाया नहीं है, अभी तो तुमने दुनिया का कोई खाना नहीं छोड़ा और अभी तुम इतना मीस नहीं ये कर रहे थे। अब इस पे चटनी डालना, टमाटर इधर होता है, नहीं ये चटनी तो और डाले ना, और फिर ये जो तुमने इधर रखा है ना, एक इधर एक इधर, हमने पहले चटनी ही डालनी, डाल दी है ना, हम चटनी और डालेंगे, ये वाली ही चटनी थोड़ी होगी। हां ये वाली, हां मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इमली की चटनी और फिर दही वाली चटनी भी। ओके तो औरतों में मैं, इट्स गोइंग टू बी सो मच सो यम्मी ना, और ये तुम इस कबाब की तरह हो, ठीक है क्या, क्यूट एंड फ्लफी? नो नहीं नहीं नहीं, रुक जाए, सब्र सब्र, खराब किए जा रहा है। अभी हम वो स्लिम्स डालेंगे ना, और केचप डालनी है? नहीं नहीं केचप नहीं डालनी, केचप नहीं डालनी, ठीक है हम स्लिम्स डालेंगे थोड़े से। सो हमारे बंद कबाब में ये डिफरेंस है कि हमने स्लिम्स डाले हैं, आप आलू वाले भी डाल सकते हैं। और अब ये हो, चलो इसको आधा काट लें या Yes, काट लेते हैं, लेकिन पहले हम दूसरा वाला भी, दूसरा वाला भी बनाएं। चलें जी, अब हम सीरियस सच वाली बनाएंगे, सीरियस वाला बन कबाब बना रहे हैं हम। हाँ अभी इसमें ऑलरेडी हमने इसको फ्राई करके इसके साथ रख दिया है, अब हम इसके ऊपर चटनी डालेंगे, सादा डालें ना चटनी। हाँ मैं कह रही हूँ कि हम इसके साथ भी लगा के खा सकते हैं तो। हाँ लेकिन वो, हाँ ये देखिए है ना, चटनी जब तक बंद कबाब में अच्छी वाली नहीं हो तो मजा नहीं, और वो भी ज्यादा सारी, ज्यादा सारी। तो ये ग्रीन चटनी है, आप इमली वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इमली वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अब हमने, अच्छा मुझे बंद कबाब में आई वॉन्ट द ग्रीन चटनी, उसके बगैर मजा नहीं आता। आई डोंट नो इफ यू हैव ट्राइड इट विद द ग्रीन चटनी। हमने अदील को पूरी कॉन्वर्सेशन से निकाल दिया है हम दोनों ने, क्योंकि इसने बेहुर्मती की है। अभी हम इसका चम्मच, हम सब एक जैसा ही है सब कुछ ही, अभी एक में ही हो गया, खाना तो है ही। तो इसमें बहुत सारे लेमन डाल दिए हैं अदील ने, गुस्सा ही आ गया था इसको, नहीं ये देखें, इसको गुस्सा ही आ गया था तो उसने सब कर दिया। यार ये मजे का होगा बहुत, खट्टा खट्टा। अच्छा ओके, आई डोंट लाइक इट बट ठीक है, अभी हमें उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी करनी है। हाँ प्रेजेंटेशन भी अच्छी करनी है, हम ये लगा दिया, थोड़ा सा खीरा और डाल दे, और कुछ रह गया? नहीं आई थिंक दिस इज इनफ, इसमें हम स्लिम्स नहीं डालते, ठीक है डालें स्लिम्स? नहीं हाँ इसके बगैर हो गया सब डन। ओके नाउ वी कैन कट इट, नॉट बैड मोना, यू आर वेरी गुड एट इट। चलें अब जो मुझे रिश्ता भेजेगा उसको पता चल गया। सुगर है मोना। हाँ एंड शी हैज नेवर मेड दिस बिफोर इन हर लाइफ, शी मेड इट एंड प्रीटी गुड। या दिस वन आई मेड, हाँ दिस वन आई मेड। अदील आप कौन सा ट्राई, शक्ल से भी लग रहा है, आई विल ट्राई दिस वन, यू विल ट्राई दिस वन। ओके एक मिनट, एक्चुअली मेरा रोजा था तो मैं काफी ओके, अब मैं ये वाला खाऊंगी जो मैंने खुद बनाया है। मैं इसको कैसा है? बहुत अच्छा, वो तो कहेगा अच्छा है क्योंकि उसने बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। आई वुड लाइक टू मैन, बहुत अच्छा बनाया है। ओके नहीं बट
अच्छा बन गया है नहीं हमारी रेसिपी अच्छी है ना यू शुड ट्राई रेसिपी में ज्यादा कुछ तो था नहीं बट गुड ना मुझे पता था अच्छा होगा वेरी गुड लिटिल बिट ऑफ गो बैक ट्राई नन आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं वैसे अभी नहीं मैं अंडा खाता नहीं अंडा नहीं खाते आप ओके इट्स वेरी यम्मी चटनी चाहिए आपको नो हमने इस वाले में वैसे बहुत भर के डाली है है ना अच्छा है ना थैंक यू मैं एक अच्छी कुक हूँ तो हमें भूख भी लग रही थी है ना शायद इसलिए भी पर अच्छा नहीं नहीं हमने अच्छा बनाया यार मैं अच्छा बहुत मजे का है हमने अच्छा बनाया है और हमने चटनी डाली है ढेर सारी ये इफ्तार में मजे का लगेगा है ना मैं घर जाके बनाऊंगी इस बार इम्प्रेस एवरीवन कैसे हो सकता है हम लोग खा रहे हैं किसी को पता है कि डिश कहाँ की बन कबाब कहाँ किया बांग्लादेश हाँ आई डोंट ट्रस्ट यू व्हाई सेम इट्स बीन टू इयर्स इट्स बीन टू आवर्स बाकी आप बन कबाब खाते नहीं है नहीं नहीं मेरी रिसर्च बहुत आपको कराची मेरी रिसर्च बहुत है खाने पर अच्छा व्हाई वुड यू रिसर्च ऑन समथिंग दैट यू डोंट ईट आई लाइक टू रीड रीड व्हाट व्हाई बन कबाब नो आस्क हिम रीड व्हाट अबाउट डिफरेंट कल्चर्स अबाउट डिफरेंट फूड एंड डिफरेंट पीपल People. भाई हमारा बन कबाब बहुत मजे का था आई डू नॉट नो कि ओरिजिन इसका बांग्लादेश है या नहीं बट जहाँ का भी है आई थिंक बड़े सगीर का ही कहीं होगा ना इंडो पाक का ही कहीं ना कहीं होगा सब सो लेकिन बहुत मजे का है हम तो बहुत इंजॉय करें एंड प्रूफ है मोमना इज स्टिल ईटिंग सो इट्स गुड सो इट्स गुड या सो यू गाइस कैन ट्राई इट एंड हमें बताएं कि आप लोग अपने बन कबाब में कोई डिफरेंट चीज करते हैं आई वुड बी लुकिंग फॉर रेसिपीज अगर हम बहुत अच्छे रहे हम बहुत अच्छे रहे तो हम कुकिंग शो कर लेंगे आई थिंक हम सोच लिया करेंगे कौन सी वाली चीज की रिसर्च इन्होंने की है तो उसके लिए हम बुला लिया नहीं कॉमेडी के लिए बुला सकते हैं इससे पहले जो ड्रॉइंग्स थी ना इससे पहले जो ड्रॉइंग्स थी वो जबरदस्त अदीर इज अ गुड चटनी में जो तोड़ी थी और पता नहीं भिंडी थी समझना चाह रही हूँ अभी तक किस में आई नहीं ओके जी हम आई थिंक रैप अप करते हैं प्रोग्राम को बट हमारे बन कबाब अच्छे हो गए अभी हम और भी बना सकते हैं नहीं अब मेरा पेट भी फुल हो गया फुल हो गया अदील आप अपना खत्म कर लें नहीं नहीं मैं बस नहीं बस बहुत शुक्रिया आपको अपने बनाया बनी खाएगा हम दोनों ने तो ट्राई भी नहीं किया हमने तो अपने आप लोगों ने ये किया नहीं ट्राई मेरे हाथ भी लगे थे ना मैंने बना के दिया था सही से ओके जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई होप यू गाइस हैड फन और आप लोगों को भी मजा आया होगा देखने में और कुछ शायद आज बन कबाब की रेसिपी कुछ कुछ डिफरेंट नजर आया आपको वैसे तो कोई ज्यादा वो नहीं था बट ठीक है नहीं बहुत डिफरेंट था आज हम दोनों ने बनाया है That's something जिसने कभी नहीं बनाया और जिसको बनाने वाली कोई चाहिए yes. उन्होंने खुद बना लिया और बहुत अच्छा बनाया दोनों ने थैंक यू थैंक यू ओके हैव अ ग्रेट रमजान